अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून और मैं हूं आपका मेजबान जान मोहम्मद। आप अपने स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पिंगलगाम इलाके की तस्वीरें हैं जो काकापोरा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाका है। कुछ रोज कबल डिपार्टमेंट ऑफ आरडीटी और तहसील ऑफिस काकापोरा की तरफ से यहाँ के लोगों को बजरिया नोटिस आगाह किया गया था कि जिन लोगों ने स्टेट लैंड के ऊपर अपना नाजायज कब्जा किया हुआ है वो आज खुद इस नाजायज कब्जे को हटाएं और जो इसमें दरख्त उगाए गए हैं उनकी कटाई का अमल खुद ही शुरू करें। चंद लोगों ने इस अमल को पूरा किया और दरख्तों की कटाई का अमल शुरू किया। वाज़िया रहे मुतल्लिका महकमा की जानिब से स्टेट लैंड को खाली कराने के बाद इलाके की बहबूदी के लिए प्लेग्राउंड, डिस्पेंसरी, स्कूल या फिर किसी और काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वक्त गुजरने के बाद भी कुछ ऐसे लोग इस अमल को पूरा नहीं कर रहे हैं जिन्होंने इस गवर्नमेंट लैंड पर अपना नाजायज कब्जा किया हुआ है। हालांकि इस इलाके के चौकीदार, नंबरदार, जीइज्जत लोगों की तरफ से बार बार ताकीद की गई और उनको बार बार ये बात बताई गई कि इसमें जो दरख्त खड़े हैं उनको काटने का अमल शुरू करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग अभी भी टस से मस नहीं होते और अपना नाजायज कब्जा हटाने के लिए तैयार नहीं है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काकपुरा और तहसील ऑफिस काकपुरा से मुद्दबाना गुजारिश है कि इस अमल को अब डिपार्टमेंट खुद शुरू करें और जो पैसा वसूल होगा वो गवर्नमेंट खाते में जमा किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए जिन्होंने स्टेट लैंड के ऊपर अपना नाजायज कब्जा किया हुआ है। ये बात यहाँ पर कहना लाजमी समझता हूं कि इस तरह के लोग क्या इलाके की तामीर तरक्की में अपना रोल अदा करते हैं या नहीं, और इस बात को समझना जरूरी है कि इन लोगों ने किस तरह से गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कब्जा किया विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। ऐसे लोगों से डरने की नहीं बल्कि इनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नाजायज कब्जा है जो न लोगों को मंजूर है और न ही हुकूमत को। अगर आपके इलाके में भी स्टेट लैंड है और चंद लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है तो ऐसे लोगों के खिलाफ तहसील ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज कराएं, क्योंकि ये हक किसी अकेले बंदे का नहीं बल्कि एक पूरे इलाके का हक है। और अगर आपके इलाके में वाकई कहीं पे इस तरह की लैंड है और कुछ लोग अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि अभी अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है या फिर अपना कब्जा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उनके खिलाफ अपने तहसील ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज कराएं या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आप जा सकते हैं जहां असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के पास भी आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। और हम इस प्रोग्राम के वसातत से डिपार्टमेंट ऑफ आरडीटी और तहसीलदार काकापोरा से गुजारिश करते हैं, साथ ही साथ जो यहाँ के पटवारी साहब हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है, जो पिंगलगाम इलाके में स्टेट लैंड को अभी कुछ लोग खाली नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है और डिपार्टमेंट को चाहिए कि अब वो खुद इस काम को शुरू करे और पैसा गवर्नमेंट खाते में जमा किया जाए। मजीद जानकारी के लिए आप बने रहें कश्मीर ट्रिब्यून के साथ।